महावीर नगर थाना पुलिस पर अधिवक्ता के साथ मारपीट करने व शांति भंग में गिरफ्तार करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। नाराज अधिवक्ताओं ने अभिभाषक परिषद के बैनर पर सोमवार को अदालत परिसर में जमकर नारेबाजी की और घूम घूम कर सभी अदालतों के कार्य का बहिष्कार किया। वही बाद में शहर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप कर आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। 27 तारीख को रात को 11 बजे करीब की बात है, हमारे अधिवक्ता है हेमंत मालव जी, केशवपुरा चौराहे पे चाय की दुकान खुली हुई थी, ये मंदिर से आ रहे थे। इन्होंने दर्शन करने के बाद वहाँ कोई परिचित मिल गया, चाय पीने लग गए। महावीर नगर थाने की गाड़ी जिसका जुरिडिक्शन वहाँ केशवपुरा चौराहे पे नहीं है, जो अवैध वसूली करते हैं दारू बेचने वालों से, गांजा बेचने वालों से, स्मैक बेचने वालों से, दारू पी करके तीनों पुलिस वाले वहाँ पर आए और आते इनसे कहा गया क्या कर रहा है, भाई चाय पी रहा हूँ, क्या निकल यहाँ से घर जा, चाय खत्म करके जाऊंगा। महावीर की गालियां पकड़ने लगी, तीनों आकर के उसे गुलीबाद पकड़ी, पुटा करके गाड़ी में डाल लिया, गले पे निशान हो रहे। मारपीट करने के बाद थाने ले जाकर उसको बंद कर दिया लोकअप में। बाद में कुछ वकीलों को पता लगा, वो लोग थाने वाने पे गए, पूरी भी उसके बाद भी रात भर थाने पे रखा, सवेरे एडीएम सिटी का पेश करने के बाद जमानत कराई है, जैसे कोई गुंडे बदमाश को बंद कर दिया हो। अरे बाहर हमारी छोड़ रहे हैं, उसके बाद भी नहीं छोड़ा। हाँ, और बार बार पिछले कुछ दिनों से ये पहली घटना नहीं है। तो 5,000 रुपए मांगे पिछले कुछ दिनों से पुलिस वाले इंटेंशनली वकीलों को कभी चौराहे पर रोक करके, अभी एक वकील साहब को भी 4-5 दिन पहले गिरफ्तार किया था, सुबह गिरफ्तार किया, शाम को पेश कर देते गुंडों से, तो पैसे लेकर के और थाने पे बुलाते हैं, आधे घंटे में पेश कर देते हैं, जिनके जवाई जी हो, और वकील को बंद करके और इस प्रकार से गुंडागर्दी करते हैं। और एक छोटे से जिसको कहा सुनी के मामले में केवल ये कि मैं चाय खत्म करके जाऊंगा, और उसने कहा कि जा भाई, तुम चाय वाले को तुम इतने कानून के पाबंद हो तो 11 बजे चाय की दुकान क्यों खुल रही थी।